press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Comedy One. Mumbai ka King Kong. Nahi, nahi. Come on, dude. Hi. Babuji. Kya baat kar raha hai? E Ram kaka. नमस्कार और आप सभी का स्वागत है ऑन बॉलीवुड आइकॉन्स। मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका महालिंगम। आज हमारे एपिसोड में एक बहुत ही डरावना इंसान आने वाला है। ही इज वेरी स्पूकी एंड इज अ विलेनियस पर्सनालिटी। एग्जैक्टली, थालियों से स्वागत किया जाए मिस्टर खोका जी का। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी खोका। What happened? Oh, my safety pin. इधर रखनी क्या जरूरत थी? Sorry sir, वो misplace हो गया मतलब. Sorry. Misplace? But why in this place? माफ करना सर. एक बात बताइए. बोलिए. ये सोफा है या गोडाउन? You're right sir. What? I mean to say that ये जो सोफा है ये गोडाउन से ही आया है सर. ठीक है. जो भी पूछना है पूछ. My first question is कि आपका ये जो दाढ़ी है ये ऐसा खाइको है और आपका ये दाढ़ी देख के इंटरनेशनल मतलब ये जो हॉलीवुड का एक्टर्स है इन्होंने कॉपी किया है। You're right. उस दिन मुझे गुलजरीन ने फोन किया था। गुलजरीना? Are you sure it is not वुल्वरीन? अभी क्या हुआ? अयो क्या मिला तुम्हें? अयो Oh, my charger. Thank you so much. फोन का बैटरी डाउन है, दीजिए। लड़के एक काम करो। हाँ बोलो। तुम यहाँ आओ। Let's exchange places. Come on. ठीक है, ठीक है। कोका, आप यहाँ पर आ जाओ। फिर आपके साथ नहीं होगा दो का। काफिया में मारा है तुमने चौका। हाँ, मैं वहाँ जाती हूँ। So, आगे बढ़ते हुए, और क्या हुआ था हमको बताइए। तो गुलजरीन ने यू को मेरे तस्वीर दिखाई। अच्छा। ऑफ माय दाढ़ी। उसको बहुत पसंद आया। उसने वैसे ही दाढ़ी बना ली और फिर पिक्चर का टाइटल भी सोच लिया। मुझसे इंस्पायर होकर सुपरहिट फिल्म हुई। अच्छा। एक्समैन 1, एक्समैन 2, एक्समैन 3। थैंक यू सो मच। 3x। बस हो गया, हमको समझ में आ गया। हमने सुना है कि आपने कोई लड़की पे भी हमला किया था। ये तुमने झूठ सुना है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैं उस दिन उस लड़की के घर में गया था और उसे उसके कपड़े मांगे थे, कपड़े धोने के लिए। और उसने कपड़े दे दिए मुझे। क्या ये सही है कि उसने उस वक्त वही कपड़ा पहना था? हाँ पहना था। लेकिन जब लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े को धोने की भी जरूरत होती है। कपड़े को धोना जरूरी होता है, पसीने लग जाते हैं, पसीने से लथपथ हो जाता है इंसान, और उस कपड़े को धोना जरूरी था। बस मैंने उससे कपड़े ले ली और अचानक एक्सीडेंट में मर गई। इसका मतलब द बॉटम लाइन इज आप एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही बेकसूर आदमी हैं। मैं सिर्फ खोका हूँ, क्यूट लिटिल खोका, और लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कभी कभार हे ऐसे बोल देता हूँ। आपका कितना स्नेक विचार। इमेजिन कौन करता है ये, जबरदस्ती जाके लोगों के कपड़े निकालना और इसे लॉन्ड्री में देना। करता कौन है ये? कोई नहीं करता। यू आर अ वेरी नाइस मैन, तुम बहुत बड़ा इंसान है। थैंक यू सो मच कोका जी। आई मीन कोका, मेरा वो जो चाहता है ना अम्ब्रेला, इट इज मिसिंग, बहुत देर से मिल नहीं रहा है। द ब्लैक अम्ब्रेला, वेयर इज इट? समझ गया, समझ गया। क्या? आई विल फाइंड इट फॉर यू। थैंक यू सो मच कोका। लेकिन एक बात बताओ, चाहता बड़ा वाला था या फिर वो फोल्डिंग टाइप? इट इज बिग अम्ब्रेला। और जो ग्रैंडफादर्स यूज करते थे? बिल्कुल ऐसा पकड़ के चढ़ने वाला चाहता। हे समझ गया। डोंट क्राई डा। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी। हे 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 आई मेरे चाचा मिल गया। प्लीज प्लीज थैंक यू सो मच। एवरीथिंग इज ऑल राइट, थैंक यू।
क्या तुम्हारा ग्रैंडफादर जिंदा है? नहीं, वो जिंदा नहीं है, ये उनका आखिरी निशानी है। उनके साथ ही इसको जलाना चाहिए था। सो सॉरी बट थैंक यू सो मच। चाहते के लिए चाहता, मेरा बहुत कुछ सामान आपकी वजह से मिल गया, और इस शो में आने के लिए भी थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, आर यू रेडी? रैपिड फायर राउंड? हाँ। मुझे लगा तुमने और कुछ भी खोया होगा। नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग आई हैव गॉट इट। ओके ओके, आर यू रेडी? रेडी। खोखा या धोखा? खोखा, क्योंकि खोखा मेरा नाम है। वंस इन अ ब्लू मून। खोखा। गॉट इट। वॉल्वरीन या सबमरीन? सबमरीन, क्योंकि सबमरीन के अंदर क्या कर मैं पुलिस से छुप सकता हूँ, और वो भी समंदर के अंदर। इंटेलिजेंट आंसर आई मस्ट टेल यू। तुम चलोगी सबमरीन में? नहीं, इट्स ओके। कबे कबे ए ए, व्हाट हैपेंड? ओह माय कार कीज, थैंक यू सो मच। अब मैं स्टूडियो के बाद कार में घर जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच खोखा जी। आप इधर आए, हमारे साथ बहुत सारा बातें की, आपकी वजह से बहुत सारा चीज मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच। अब आपके लिए एक लास्ट में गिफ्ट टेम्पर में देना चाहूंगी। यस, दो। ये है आपके लिए गिफ्ट टेम्पर। यस, गिफ्ट टेम्पर। यस, कुछ याद आया आपको? ऑफ कोर्स, डिटर्जेंट याद आया। मैंने नींबू वाला डिटर्जेंट इस्तेमाल किया था। एग्जैक्टली, तुम उस दिन आके घर पे लेकर गए थे ना ये लॉन्ड्री के लिए। याद है, याद है, वही खुशबू डिटर्जेंट की, नींबू वाला। या तुम्हारे वजह से पूरा उसका कलर भी निकल गया था। नॉनसेंस, सॉरी सॉरी, अननेसेसरी बहुत तकलीफ देनी पड़ी तुम्हें ये साड़ी निकालने के समय। इट्स ओके, नाउ यू गो। किसने कहा था ऊपर लॉफ्ट में रखने के लिए? इट्स ओके, आप अभी जा सकते हैं। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और मेम साहब, याद रखना खोखा लॉन्ड्री, किसी भी चीज को लॉन्ड्री करवाना है तो प्लीज मेरे लॉन्ड्री में आइएगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय। थैंक यू। बाय बाय। Once again, thank you. Yeah, bye. तो जैसे कि आपने देखा कि आज का जो हमारा मेहमान था दिस खोखा, he is a little spooky, funny and a little emotional fool also. तो अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी बॉलीवुड आइकॉन्स में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं हूँ मोनिका मालिंगम। बाय।